हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के नाथप्पा और शिमला जिला के झाकड़ी के मध्य बनी देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना नाथप्पा झाकड़ी ने विद्युत उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्र और हिमाचल सरकार के संयुक्त उपक्रम SJVN की इस परियोजना का वर्ष 2003 और 4 में निर्माण के बाद अब तक के इतिहास में जुलाई माह में सबसे अधिक बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाकर पीछे सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं। ऐसे में 1500 मेगावाट के इस पावर स्टेशन ने अपने ही पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 1213 यूनिट सर्वाधिक मासिक विद्युत उत्पादन का नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। परियोजना प्रबंधकों का कहना है कि गर्मी के मौसम में उत्तरी भारत के राज्यों में बिजली की खपत अधिक होती है, ऐसे में परियोजना ने लक्ष्य से बढ़कर बिजली तैयार कर कोविड महामारी के दौरान उत्तरी भारत के 9 राज्यों को निरंतर बिजली आपूर्ति की। नाथप्पा झाकड़ी पावर स्टेशन के प्रमुख RC नेगी ने बताया कि 1500 मेगावाट की ये परियोजना देश की सबसे बड़ी भूमिगत परियोजना है। इसने जुलाई माह में परियोजना निर्माण के बाद अब तक का सर्वाधिक बिजली उत्पादन 1213 मिलियन यूनिट किया है। इस कोरोना के दौर में भी कुशल प्रबंधन और सूझबूझ से ये लक्ष्य हासिल किया है। परियोजना से उत्तरी भारत के 9 राज्यों को बिजली आपूर्ति की जा रही है। PS नेगी महाप्रबंधक मानव संसाधन ने बताया कि निगम के प्रमुख का मार्गदर्शन है कि नया रिकॉर्ड बनाओ और उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ो। इसी दिशा में काम किया जा रहा है। निगम के कुशल कर्मचारी निगम की रीढ़ हैं। उनके सहयोग से विद्युत उत्पादन में रिकॉर्ड स्थापित हो रहे हैं। सोलन में खाद्य सुरक्षा विभाग पहले से काफी चौकन्ना हो गया है ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। इसके लिए विभाग द्वारा आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब शहर में चल रही नॉन वेज की दुकानें जो नियमानुसार नहीं चल रही हैं, उन्हें नोटिस दिए गए हैं। साथ में कई दुकानों के चालान भी किए गए हैं। ये जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग के स्वास्थ्य सहायक आयुक्त LG ठाकुर ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि जो भी दुकानदार नॉनवेज बेच रहा है, अगर नियमों की पालना नहीं करेगा उसके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और किसी भी हालत में सोलन वासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। अधिक जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के स्वास्थ्य सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने बताया कि नॉनवेज की दुकानों में कोई भी दुकानदार जिंदा पक्षी नहीं रख सकता है। अगर वह रखता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि नॉनवेज बेचने वाली दुकानों की ऊंचाई कम से कम 3 मीटर होनी अनिवार्य है। दुकानों पर काम कर रहे सभी कर्मचारियों का जब तक मेडिकल नहीं करवाया जाएगा उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे अभी तक 25 दुकानों का चालान कर चुके हैं। कुछ दिन पहले नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों को 2 लाख का जुर्माना लगाया गया था, जिसका मामला अभी लंबित पड़ा है। उन्होंने कहा कि जो भी दुकानदार नियमों की पालना नहीं करेगा उसका लाइसेंस दोबारा रिन्यू नहीं किया जाएगा। बिलासपुर के साथ सटे कोठीबाग क्षेत्र में निर्माणाधीन एम्स अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ब्रह्मपुखर क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मंगलवार शाम को IGMC शिमला से आई COVID-19 सैंपल की रिपोर्ट में एम्स के 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इन 14 लोगों में से 13 लोग बाहरी राज्य के मजदूर हैं, जो सभी एम्स साइट पर क्वारंटीन थे, परंतु एक व्यक्ति जो एम्स अस्पताल में सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात था वह बिलासपुर जिला से संबंधित है। और रोजाना ये व्यक्ति एम्स से अपनी ड्यूटी करके अपने घर आता था और घर से रोजाना एम्स में ड्यूटी करने के लिए जाता था। ये व्यक्ति क्वारंटीन नहीं हुआ था, जबकि सरकार के आदेशानुसार इसे साइट पर ही क्वारंटीन होना था। मंगलवार शाम को जब इस व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई, उसमें भी ये व्यक्ति अपने घर पर था। बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति का मंगलवार को साप्ताहिक
अवकाश था। मंगलवार को जब इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई उसमें भी ये व्यक्ति अपने घर में ही था। घर में ही व्यक्ति को इसके कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना मिली, जिसके बाद ये अपने घर में एम्स साइट पर चला गया, जहां से इसे प्रशासन ने कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया। गौरतलब है कि मंगलवार शाम को करीब 4:30 बजे इसके कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना आ गई थी, परंतु बुधवार शाम तक 36 घंटे का समय बीत जाने के बाद भी प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस क्षेत्र में कोई भी टीम नहीं पहुंची थी। क्या प्रशासन के पास इस व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी कि ये व्यक्ति अपने घर में रह रहा है, या फिर इसके बारे में एम्स प्रशासन ने जिला प्रशासन को इस व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताई? जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये ब्रह्मपुकुर चौक में घूमा है और कई दुकानों में भी गया है। इसके अलावा एक दिन पूर्व ही ये युवक जुखाला की तरफ भी गया था, वहाँ भी इसने लोक मित्र केंद्र में अपना पैन कार्ड बनवाया। इसके अलावा भी ये बाजार में घूमा है। इस संदर्भ में जब कोई भी कर्मचारी यहाँ नहीं पहुँचा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत SDM सदर से भी की, परंतु शिकायत करने के बावजूद भी इस क्षेत्र में कोई कर्मचारी नहीं पहुँचा। बात को लेकर लोगों में काफी रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उस हिसाब से तो प्रशासन को इस क्षेत्र में फौरन पहुंचाना चाहिए था, परंतु शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है, जो कि बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के परिवार वाले समाज में खुले घूम रहे हैं, जिससे आगे कोरोना फैलने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन को चाहिए था कि इस क्षेत्र में आकर जो जो व्यक्ति इसके संपर्क में आए हैं, उन्हें क्वारंटीन करते और मार्केट को भी सील करते, ताकि ये आगे ना फैलता। इस संदर्भ में जब हमने खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्याम वर्मा से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने टीम को आदेश कर दिए हैं, जल्द ही इस क्षेत्र में टीम पहुंचाएगी और इस व्यक्ति के संपर्क में जो व्यक्ति आए हैं, उनका आंकड़ा तैयार करके उन सभी को होम क्वारंटीन कर दिया जाएगा। 6 दिन बाद इन सभी क्वारंटीन किए गए लोगों की सैंपलिंग की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो इस स्थान पर बफर और कंटेनमेंट जोन भी बनाए जाएंगे।